नहीं जाने दूंगी इसे, ये डॉक्टर नहीं है, पागल है ये, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया इसने जिगरा को, कुछ भी नहीं बोल रहा है ये। जिगरा ठीक है सबा, वो बस सो रहा है। जनाब जनाब पानी पीएंगे? फारूक तू तो ठीक है ना? सबा मुझे यहां जिंदगी भर बांध के रखेगी तब भी तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं बोलेगा फारूक, कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो इंसान नहीं, वो गुड्डा है फारूक, वो गुड्डा है। माफ करना जनाब, पर कल जिगरा बोलेगा भी और सबा आपको इज्जत के साथ यहां से विदा भी करेगा। अरे क्या इज्जत से विदा करेगी यार, इंजेक्शन लगा देने से गुड्डा इंसान थोड़ी ना बन जाएगा फारूक। पागल है तुम्हारी बीवी, कहती है जब तक चिकरा बोलेगा नहीं मुझे यहां से जाने नहीं देगी। लुक फारूक, आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, वो लोग मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दे फारूक, मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा, किसी को यहाँ के बारे में नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दे फारूक। जनाब ये जो सबा है ना, इसे बहुत तकलीफों से होकर गुजरते देखा मैंने। जब हमारी शादी हुई थी मैं तो हैरान ही रह गया था इसे देख के, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतना खूबसूरत मेरी जिंदगी में आएगा। वो पहाड़ देख रहे हो आप, वहीं गई थी मेरी बारात, बहुत धूमधाम से शादी हुई थी हमारी, पूरा गांव आया था जनाब, दो दो बसें करनी पड़ी थी हमें। क्या माहौल था उस दिन, खूब नाच गाना, पूरा गांव नाचा था जनाब, और मुझे भी खूब नचाया, बहुत नाचा था मैं, बहुत। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बस इसे कभी कभी दौरे पड़ते थे, हकीम को दिखाया तो पता लगा ये दौरे सबा को बचपन से पड़ते हैं, और ये बात सबा के घर वालों ने हमसे छुपाई थी। बस इस बात पे रोज झगड़ा होने लगा हमारे घर, अम्मी हर वक्त खुशी सबा और उसके घर वालों को, सबने कहा सबा को तलाक दे के दूसरा निकाह कर दे, पर मैं नहीं माना जनाब, मेरे लिए तो आज भी वो उतनी ही खूबसूरत थी जितना मैंने उसे पहली बार देखा था। घर पर तो हल्ला मच गया, रोज वही चक 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 ठीक थे, फिर एक दिन हम अपना गांव छोड़कर यहाँ इस गांव में आ गए जनाब। इस गांव में हमें कोई नहीं जानता था, हमें कभी अपना एक सुकून होता है, बच्चे की बड़ी आस थी इसे, पर शहर का डॉक्टर बोला कि बच्चे की सोचना भी मत, ना तो बच्चा मर जाएगा सब। पर इसने तो जिद पकड़ ली थी, जिद्दी तो है ही, आपने तो देखा ही है। मैंने भी कहा चलो अब सब अल्लाह के भरोसे छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जानते हैं जनाब, जब पेट से हुई ना तो एकदम कमाल हो गया, एकदम जादू जैसा, इसको दौरे पड़ने बंद हो गए जनाब, इसका चेहरा
हर वक्त गुलाबी रहता है, जैसे किसी गुलाब का फूल हो। उन दिनों इस घर में केवल हम रहते थे, मुस्कुराहटें, तो हमारी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे जनाब। पर वक्त की तो आदत है ना धका देना। 3 साल पहले यहां हमला हुआ, लड़ाई आदमी वालों और जिहादियों की थी, बीच में हम फंस गए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जनाब कि क्या करूं। मैं इसे लेकर भागा, रास्ते में चला, इसका खून बहना चालू हो गया, इसकी पूरी सलवार लाल। मैंने इसको कहा तुम मत रख, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा सबा, मैं हूं ना सबा। अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर बोला कि चेहरा मर गया जनाब, तो पूछे मत चला, पागल जैसी हो गई थी। और कुछ थी मुझे और तो फिर को क्यों बचाया मुझे और क्यों नहीं जाने दिया। रात कोई मच्छर होता तो कहती जिगरा रो रहा है, उसको दूध पिलाना है। फिर एक दिन पता नहीं कहां से कुत्ता उठा लाए, कहने लगी ये हमारा जिगरा है। और ऊपर से इतना भी समझ नहीं आता कि जिंदा बच्चा बड़ा होता है जनाब, जिगरा बड़ा हो तो रहा है। मैं हर 4 जनवरी को एक नया कुत्ता, पिछले वाले से थोड़ा सा बड़ा कुत्ता लाकर उसके सिरहाने रख देता, मुझे वो सो रही होती है। फिर जिगरा 1 साल बड़ा हो जाता है, हम उसका हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं। अभी 15 दिन पहले ही तो उसका 3रा जन्मदिन मनाया, और इस साल से तो ये बोलने भी लगा था। पर बेचते वक्त दुकानदार ने साफ कहा था कि ये चाइनीज कुत्ता है, ये बोलेगा गाएगा डांस भी करेगा, पर कोई गारंटी नहीं क्योंकि चाइनीज कुत्ता है। शुरू शुरू में तो अटक अटक के चल रहा था सब, सोचा था 1-2 दिन में शहर जाऊंगा तब सही करवाऊंगा, फिर आप ही यहाँ आके फंस गए। तुम जानते हो पर अब तुम क्या कर रहे हो, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जनाब। ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट राइट। ये ना तुम्हारे लिए ठीक है ना सभा के लिए, क्योंकि क्योंकि सभा ठीक नहीं है फारूक। नहीं जनाब सभा ठीक है। अरे क्या ठीक है यार, शी हैज नो होल्ड ऑन रियलिटी, शी कीप्स लिविंग इन अ पैरेलल वर्ल्ड। माने उसको जो होना चाहिए वो है ही नहीं फारूक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जनाब आप भी मेरी अम्मी की तरह बात करते हैं, वो भी यही कहती थी कि सभा को ये होना चाहिए, सभा को वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए सभा को, हैं क्या होना चाहिए सभा को, और कौन तय करेगा कि किसको क्या होना चाहिए। लोग फारूक अब है उसकी कोई मजबूरी, वो लोग जो मजारों में जाके चादर चाहते हैं या मंदिरों में पत्थरों को नहला धुला के खाना खिला के अपने दुख दर्द होते हैं, उनसे कहते हो जाके अपना इलाज कराओ, जो वो लोग नहीं तो मेरी सभा की जगह, मेरी सभा की
क्योंकि वो मसालों को और पत्थरों को नहीं बल्कि एक रबड़ की गुड़िया को प्यार करती है। नहीं, इसलिए क्योंकि जो वो जी रही है वो सच नहीं है। तो क्या करेंगे हम ऐसी सच्चाई का जो हमें जीने ही ना दे? जनाब जानते हैं दुनिया की सारी सच्चाई यकीन पे खड़ी होती है। आप यकीन करके देखो सच्चाई अपने आप बन जाए, वरना सच्चाई अपने आप में कुछ होती नहीं है जनाब।